ये सवाल लेकिन मेरे जहन में आ रहा है आपकी बात करने से, तो ज़्यादातर जैसे हमारी फिल्मों में एक ज़माने में, आज की शायरी की बात नहीं करी, वहाँ शायरी है ही नहीं आजकल, लेकिन हिंदी सिनेमा एक ज़माने में बहुत उस्ताद शायर जब होते थे तो, हाँ, और वो क्या बात, आपको क्या लगता है कि वहाँ वो सिचुएशन में डालने के बावजूद इतने एहसास, इतनी शिद्दत कैसे मौजूद थी उनके लिरिक्स में, अगर मैं लिरिक्स वर्ड यहाँ यूज करूँ फिल्मों के लिए? मेरे ख्याल में लिरिक्स नहीं, वो शायरी खाली थी? खाली लिरिक्स कहना गलत होगा उसको। जी जी, उसमें दोनों बातें थी, एक तो उस्ताद शायर थे जो गए थे, वो खाली लिखने के लिए नहीं गए थे, वो शायर एस्टेब्लिश हो चुके थे और फिर वो फिल्मों में लिख रहे थे। दूसरी वजह ये थी कि जो हमारी फिल्म का कैरेक्टर था उसमें गाने जो हैं वो कहानी का एक मेजर हिस्सा हुआ करते थे, जो 70s और 80s के आते आते ब्रेक होने लगा धीरे धीरे। अब वो कहानी का हिस्सा नहीं है, वो एक फॉर्मूले का हिस्सा है कि दो ऐसे डलने हैं, दो वैसे डलने हैं और तीन वैसे डलने हैं और हो गई फिल्म कंप्लीट। तो आप कुछ भी कर सकते हैं फिर, अगर फॉर्मूले का हिस्सा है तो उसके अंदर एक कांस्टेंट डालना है, अगर इंजीनियरिंग की तो उसमें बात करूं, मेटल में बात करूं, उसमें कुछ फिर आपके सोचने की जरूरत नहीं है, वो जो इक्वेशन में फिट होता है वो कर। कोर ऑफ गौहर रजा कौन है, द फिल्म मेकर, द पोएट, द एक्टिविस्ट, द ह्यूमैनिटेरियन? ये सवाल लगातार पूछा जाता रहा है जी, तो इसका मेरे पास कोई बहुत सिंपल जवाब नहीं है, लेकिन अगर आइंस्टाइन को कोट करूं मैं तो उसका कहना यह है कि इफ एन इक्वेशन इज नॉट ब्यूटीफुल देन इट मस्ट बी रॉन्ग। तो जो एस्थेटिक्स है साइंस की, जो खूबसूरती साइंस के अंदर आपको दिखाई देती है एक बार समझने शुरू कर, जिस तरह से हमारे यहाँ पढ़ाई जाती है उसमें तो इतना बच्चों को डरा देते हैं कि साइंस एक हवा बन के उनके दिमाग के ऊपर पहुंच जाती है। वरना ये सवाल अपने अंदर, मैं एक छोटे सा सवाल आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, जो बहुत बड़ी तब्दीली आ गई जिसकी वजह से साइंस के अंदर अपने, कि एक लाइट की रे है और आगे स्क्रीन लगा हुआ है और हमारे पास एक कोई ब्लॉक है जिसमें एक स्लिट बनी हुई है, तो फोटॉन्स जो हैं पार्टिकल इसके उससे चले जाएंगे दूसरी तरफ, इमेज बन जाएगी। लेकिन अगर इनको दो बना दिया जाए तो एक इमेज नहीं बनेगी, दो इमेज नहीं बनेंगी, इनफाइनाइट इमेज बनेगी। तो साइंटिस्ट ने एक बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा कि कोई एक फोटॉन कैसे ये डिसाइड करता है कि वो इस स्लिट में से जाएगा और वहां पहुंचेगा या इस स्लिट में से जाएगा और वहां पहुंचेगा। इसने पूरी की पूरी साइंस के अंदर एक रेवोल्यूशन पैदा कर दिया इस छोटे से एक्सपेरिमेंट में, इतना सिंपल है इसके अंदर। ये मुझे समझने के बाद लगता है शायद इसके अलावा कुछ भी नहीं। शायर लुधियानवी का एक किस्सा है कि उनके पास कोई साहब आए कि प्रोड्यूस करनी है फिल्म, आप गाने लिख देंगे इसके लिए, तो उनका बताइए बैठिए और कहानी बताइए, तो कहानी बताई पूरी उन्होंने, तो उन चार गाने चाहिए हमको इस फिल्म के लिए। तो साहिब लुधियानवी ने कहा कि आप चाय पिए, मैं अंदर से वो करके आता हूँ थोड़ी देर में, बैठे आप। वो अंदर चले गए, थोड़ी देर बाद बाहर निकल करके आए और बोले ये रहे चार गाने आपके लिए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा फिर पैसे कितने हुए, तो उन्होंने कहा कि 25,000 के हिसाब से 1,00,000 रुपए तो बोली बहुत ज्यादा है, आप तो 15 मिनट में गए अंदर और ये चार गाने लेकर के आ गए, 25,000 रुपए अगर गाने के मांग रहे ज्यादा नहीं है। तो बोले नहीं, मैंने 15 मिनट में नहीं लिखे, ये मैंने 40 साल में लिखे। तो यही तो बात, हाँ वो शायर था और इसलिए शायरी नहीं कर रहा था कि उसे फिल्मों में शायरी करने की कोई जरूरत ही थी, वो उसके अंदर से कुछ फिल्मों में जाने का मामला, वो फिल्मों में शायरी इसलिए कर रहा था, वो शायर था और बहुत बड़ा शायर था, तो फिर वो फिल्मों के लिए करेगा तभी शायरी करेगा वो। इस जवाब में कितने सारे जवाब जुड़े हैं, लेकिन हमें वहाँ तक पहुँचने में कितना वक्त लगेगा ये मैं कह नहीं सकती, पर यही खास बात है गौहर साहब की कि किस सादगी से एक इतने बड़े सवाल का जवाब देते हैं जिसे ढूंढने में हमें शायद काफ़ी वक्त लगे। मैं अपने ये तो कह सकती हूँ
कि एक फिलॉसफी कन्वे हो रही है इस एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से। तो ये एक और ले लेते हैं, आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा, ये एक चीज कहलाती है ग्रेविटी। ग्रेविटी की इक्वेशन है जो आप सबने पढ़ी है जिंदगी में, जी इज इक्वल टू एम वन इंटू एम टू बाई आर स्क्वायर। जी एम और आर और वन और टू यानी न्यूमरल्स दो हैं और जी एम आर तीन अल्फाबेट्स, और ये पूरे कॉस्मोस को बता रही है कि कैसे चल रहा है, कोई जर्रा कैसे गिर रहा है, कैसे इसकी दूसरे के साथ रिलेशनशिप है, और कोई गैलेक्सी कैसे एक्सपैंड कर रही है। ये दो चीजें इस छोटी सी इक्वेशन के अंदर मौजूद, नन्ही सी इक्वेशन। अगर ये समझने की कोशिश हम करेंगे तो हमें ये शायरी ही लगेगी और कुछ नहीं। इसका पस मंजर कुछ इस तरह का है कि मैं ऑफिस की तरफ जा रहा था और बहुत सारे पत्ते थे और पैरों में वो बहुत खड़खड़ कर रहे थे जब मैं चल रहा था, तो और ये नज़्म शुरू हुई और ऑफिस पहुंचते पहुंचते खत्म कर ली मैं। इसमें कुछ थोड़े से अल्फाज जो हैं वो मुश्किल उर्दू के, मैं उनके बारे में बात कर लूँ कि संगे मिल राह कहते हैं माइलस्टोन है। और इसमें इमेजरी जो यूज़ की है वो ये यूज़ की है कि कुरान में आया है कि लाइक बाइबल में है, लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट, गॉड सेड दैट। और फिर उसके बाद जन्नत में एडम एंड ईव हैं और वहां पे उनसे कहा गया है कि ये फॉरबिडन फ्रूट मत खाना जो बाइबल में सेव है, और कुरान में गंदो जो गेहूं। तो उसको फॉरबिडन फ्रूट की इमेजरी को और इसको इस्तेमाल किया है। कुन का लफ्ज है जो कुरान में है कि खुदा ने कहा कुन फयकुन, हो जा, और सब कुछ बन गया। हवा चली तो पतझड़ों ने धरतियों को चूम कर कहा बहार आएगी। हवा चली तो पतझड़ों ने धरतियों को चूम कर कहा बहार आएगी, खिजा है चंद रोज की बहार लौट आएगी। बहार वो कि जिसकी धुन में खतर, बहार वो कि जिसकी धुन में मजमुओं ने बेखतर नई हदों को छू लिया। बहार वो कि जिसको रहबरों ने आके खो दिया। बहार वो कि जिसको रहजनों के हाथ बेच कर खिजा खरीद लाए थे। खिजा इज ऑटम। खिजा खरीद लाए थे ये रहजनों की रहजनी तो संगे मीले राह है। रहजन इज पायरेट। ये रहजनों की रहजनी तो संगे मीले राह है जो जिंदगी की मोहनी से अब भी तुझको चाह है। उठा रहा अहद कर मैं जिंदगी की शान में फिर कसीदे गाऊंगा, मैं फिर से लौ लगाऊंगा, मैं फिर से दिल जलाऊंगा, करूंगा फिर से तेज तर कलम के नश्तरों की धुन, करूंगा फिर से तेज तर कलम के नश्तरों की धुन, मैं मेहनतों के देवता से फिर कहूंगा या खुदा समेट ले वजूद को, वजूद को समेट कर तू अपनी चुप को तोड़ दे, फिर एक बार लफ्ज कुन से हो नया जहां। फिर एक बार लफ्ज कुन से हो नया जहां आता, वही समर हो फिर आता कि जिसको चख के कह सकूंगा मुझे जहान चाहिए। जहान हो कि जिसमें मुझको जुर्रते गुनाह, जहान वो कि जिसमें मुझको जुर्रते गुनाह हो, ये स्वर्ग नरक साथ हैं, शराब ही शराब हैं, जो चंद एक हैं इधर उधर तो लाखों लाख हैं, मुझे तो अपनी धरतियों पे ही बहार चाहिए, मुझे तो अपनी धरतियों पे ही बहार चाहिए।